अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कल तुम्हारा टेस्ट होगा मैथ्स का, तैयारी करके आना। क्या? मुझे पता है तुम लोगों को ज्यादा होमवर्क करना पड़ता है, इसलिए मैं कल का टेस्ट आ नहीं। देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग हर सवाल होमवर्क में से ही आएगा। हुर्रे, ये तो अच्छा है। आज तो बहुत मजा आया, आज का दिन तो बहुत अच्छा है ना जियान? हाँ। सुनो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कल हमारा टेस्ट है, इतना खुश क्यों हो? हाँ? अरे तुम तो बुद्धू हो, अगर इस टर्म में सारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे होमवर्क से ही आएंगी तो हमें सिर्फ अपना होमवर्क ही याद करना होगा, समझे? हाँ, और वो बहुत आसान होगा। सुनियो, जल्दी घर जाकर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ जियान। हे गाइस, हम दोनों चलते हैं। ओके बाय। मैं कल अच्छे मार्क्स जरूर लाऊंगा। और मैं भी जियान। समझ गया, इस एग्जाम इसीलिए इस बार मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। तुमने सही कहा नोबिता। हाँ, थैंक्स। मैं घर आ गया डोरेमोन। तो तुम आ गए नोबिता, क्या आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ? हाँ अच्छा हुआ। देखो मुझे आज पढ़ना है, इसीलिए मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है ना? क्या कहा, पढ़ना है? हाँ, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे नजर आता है कि सर कहेंगे नोबिता को पूरे मार्क्स मिले। मुझे बस आज तक का सारा होमवर्क याद करना है, ये तो आसान होगा। ये तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मैंने जितना सोचा था ये उतना आसान। मुझे कोई ऐसा गैजेट चाहिए जिससे कि मैं जो चीज देखूं वो मुझे याद हो जाए। जरा सुनो डोरेमोन। नोबिता चुपचाप अपना होमवर्क करो, समझ गए तुम? ठीक है डोरेमोन, करता हूँ, गुस्सा मत करो प्लीज। डोरेमोन का मूड तो बहुत खराब है, अगर ऐसे मूड में मैंने उससे बात की तो फिर। एक टेस्ट का असली मतलब तभी है जब तुम सारे क्वेश्चंस अपनी मेहनत से अटेम्प्ट करो, समझ गए तुम? अगर मैंने उसे सही तरीके से नहीं समझाया तो वो मना कर देगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं सोचना भी मत, ठीक है? मैं तुम्हारी जरा सी भी मदद नहीं करने वाला, समझे? लेकिन डोरेमोन सुनो, अपना काम खुद करो। लगता है डोरेमोन इस बार नहीं मानेगा। लगता है मुझे सारा काम उसकी मदद के बिना करना पड़ेगा। हेलो, दरवाजा खोलिए प्लीज। हेलो, दरवाजा खोलिए। पता नहीं ये कौन है, जाकर देखता हूँ। दरवाजा खोलो प्लीज। क्या हुआ अंकल? बेटे तुम्हारे बगल वाले पड़ोसी का घर कहाँ है, बताओगे? हमारे बगल वाले पड़ोसी का घर बगल की वजह से मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। अच्छा तो मैं कहाँ पर था? सुनो भैया, मैं इस महीने के अखबार के पैसे लेने आया हूँ। अभी घर पर कोई नहीं है, आप बाद में आइएगा प्लीज, हद हो गई है। माफ करना, अब कौन है? मुझे गैस के पैसे चाहिए। एक बैम्बू रॉड लेना चाहेंगे? आप कुछ कैसेट्स लेना चाहेंगे? आप प्लीज बाद में आइएगा अंकल। ठीक है, मैं एक सैंपल छोड़ जाता हूँ बेटा। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, जाइए। आज मेरी पढ़ाई के बीच में पता नहीं सब क्यों आ रहे हैं। क्या कोई है? अरे फिर से नहीं। हेलो बेटा, दरवाजा खोलने के लिए थैंक यू, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। देखो बेटा, मैं सोसाइटी बोर्ड की हेड हूँ और मैं सबसे घर घर जाकर मिल रही हूँ। वैसे क्या तुम्हारी मॉम घर पर है? मैंने कहा ना, घर पर कोई नहीं है। और वापस बताना। नोबिता, तुम यहाँ बाहर खड़े क्या कर रहे हो? ओ मॉम, कोई औरत बार बार आकर मुझे बहुत परेशान कर रही थी। क्या, और तुमने उसे भगा दिया? कौन थी वो? मुझे याद नहीं है, इतने सारे लोग आए ना। और अगर उनमें से कोई खास मेहमान से बिना ये पूछे कि उसे क्या चाहिए, उसे भगा कैसे सकते हो? और तुम्हें ये भी याद नहीं कि कौन कौन घर आया था? देखो नोबिता, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। रुकिए मॉम, उसे इतना मत डांटिए। मैं उसे याद कराने में मदद करूंगा। ठीक है, देखो नोबिता, तुम्हें सब कुछ याद आ जाना चाहिए, समझे? थैंक यू डोरेमोन। फिक्र मत करो, बस मुझ पर छोड़ दो, ओके? मेमोरी प्रोजेक्टिंग लेंस। इसे अपनी एक आंख के ऊपर लगाओ, ठीक है? क्या मैं इसे चश्मे के ऊपर ही पहन लूं? डोरेमोन कुछ नहीं हो रहा। बटन दबाओ। हवा सा दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम तुम्हारे मेमोरी बैंक की हर चीज को मिक्स करके उसमें से जरूरी डेटा ढूंढेंगे, ओके? डोरेमोन, क्या मेरी मेमोरी बैंक भी है? बिल्कुल नहीं। अब देखो, जो तुम याद करना चाहते हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेट करूं? हुँ।
इस महीने के अखबार के पैसे लेने आया हूँ। नहीं, ये आदमी नहीं था। गैस के पैसे लेने आया हूँ। और ये आदमी भी नहीं था, और ये भी नहीं था, और ये भी नहीं। वैसे क्या तुम्हारी मॉम घर पर है? यही है वो। मॉम के पास चलते हैं। लेकिन ये बताओ, मैं मॉम को उनका चेहरा दिखाऊंगा कैसे? हा? आसान है, बटन को दो बार दबाओ और तुम्हारी मेमोरी प्रोजेक्ट हो जाएगी, समझ गए? ओह, ये तो मिसेस सावागुची है, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। ओह, मैंने तो गड़बड़ कर दी। चलो कम से कम हमने पता तो लगा लिया कि वो आखिर थी कौन। सही कहा। हाँ? मैं इसे अपने टेस्ट के लिए इस्तेमाल करूँ? नो बेटा। हाँ? क्या बात है? चलो वो लेंस मुझे वापस दो। हाँ? क्या तुम्हें पता है डोरेमोन? शायद आज कहीं डोरा केक्स की। डोरा केक्स कहाँ? दुकान का नाम क्या था, जल्दी बोलो। जल्दी से याद करो। ये दुकान तो नहीं थी, और ये दुकान भी नहीं थी। मिल गई। ये तो डोराया है। सब कुछ खत्म होने से पहले मुझे पहुँचना है। मिल गया। मैंने अपने टेस्ट में अच्छे नंबर लाने का तरीका आखिर ढूंढ ही लिया है। एक बार अपनी नोटबुक पर नजर डाल लेता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं इससे देखता हूँ। हाँ, हुर्रे, मैंने पेजेस याद कर लिए। अब मैं इसे कहीं और इस्तेमाल करता हूँ। हाँ? अरे वाह, ये तो बढ़िया है। तुम फिर से मुफ्त में बुक्स पढ़ने आ गए? बिल्कुल भी नहीं। बोलिए, मैं इतनी तेज पढ़ पाऊंगा? अगर मुझे कोई कॉमिक बुक अच्छी लगी तो मैं उसे खरीद लूंगा। वाह, आज तो मैंने अच्छी तरह 30 बुक्स पढ़ी। क्या कर रहे हो डोरेमोन? देखो, मैंने बहुत सारे डोरा केक्स खरीद लिए। बहुत अच्छा किया। मुझे वापस दो। चलो पहले कुछ मजेदार कॉमिक बुक पढ़ लेते हैं। क्या कहा, कॉमिक्स? अरे वाह, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। कैसी लगी ये? मुझे बहुत पसंद आई नोबिता, बहुत अच्छी है। मुझे इतना मजा आया कि मैं तो आज टाइम देखना ही भूल गया हूँ। चलो अब सो जाते हैं। दूध बना दिया। टेस्ट पूरा होने के बाद भी मैं इस लेंस को अपने पास रखूंगा। क्या तुमने कुछ कहा? हाँ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। गुड नाइट, बाय बाय, सो जाओ। अच्छा तो बच्चों, अब मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट पीरियड के पेपर्स वापस दे रहा हूँ। इस बार तुम सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। अगर तुम सभी बच्चे इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो जिंदगी में जरूर सफलता पाओगे। मुझे कितने मार्क्स मिले सर? जियान, तुम्हें 65 मार्क्स मिले हैं। क्या कहा, 65 मार्क्स? अरे वाह, आज से पहले मुझे इतने अच्छे मार्क्स कभी नहीं। अगर मैं चाहूँ तो इससे भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, समझे? शाबाश, ऐसे ही अच्छे करते रहना। जी सर। और सर, मेरा क्या हुआ? सुनियो, 75 मार्क्स। ये अब जिन लोगों को 100 मार्क्स मिले हैं उनके नाम है डेकिसुगी मिनामोटो, कोकुबंजी और टाशिकावा। बच्चों, तुम सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, मुझे कितने मार्क्स मिले? नोबिता, ये सवाल तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। क्या, नामुमकिन है। इसे देखो, मुझे 0 मिला है। देखो, तुम्हें सिर्फ अपना होमवर्क ही तो याद करना था, और तुम हो कि इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। सर। लेकिन मैंने सारे आंसर याद किए थे। इसका मतलब हुआ कि तुमने जो भी जवाब याद किए थे वो सब गलत थे नोबिता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी गलती तो तुम्हारे गैजेट की है डोरेमोन। हाँ, तुम मेरे गैजेट पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मुझे पता है, लेकिन फिर भी माँ मुझे फिर से डांटेगी। प्लीज डोरेमोन, कुछ करो ना। प्लीज मुझे इससे दूर ही रखो। कुछ करो। गए वो सब यही थे, मुझे मिल नहीं रहे।
पता नहीं वो सब कहाँ गए। मामला क्या है बताओ तो डोरेमोन। तुम्हें पता है नोबिता, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या तुम और मुसीबत में हो? क्या हो गया डोरेमोन, क्या कुछ गुम गया है? ऐसा वैसा कुछ नहीं, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। आखिर बात क्या है बोलो तो जरा। तुम्हें पता है मेरे सारे डोरा केक्स खत्म हो गए। हाँ? मेरे पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओ अच्छा, तो इतनी सी बात है, उनके बिना तुम नहीं रह सकते। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखो इतना नाटक मत करो डोरेमोन। और तुम्हें पता है मेरी पॉकेट मनी भी बिल्कुल खत्म हो गई है। हे नोबिता, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? अभी मेरे पास भी पैसे नहीं है डोरेमोन। प्लीज नोबिता, कुछ तो दे दो ना। प्लीज नोबिता रुक जाओ, कुछ तो दे दो प्लीज। तुम्हारी हमेशा मदद करता हूँ, इस बार तुम मेरी कर दो। मुझे लगता है अब वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, डस्ट कलेक्टर। अरे ये क्या है? मैं तुम्हें अभी बता, कैसे छोटे छोटे पत्थरों से पहाड़ बनते हैं, बस वैसे ही। क्या हुआ, क्या बात है? मैं नहीं बता सकता, मुझे बताने में शर्म आ रही है। तुम अजीब बातें कर रहे हो। ओ डोरा केक्स, मेरे प्यारे डोरा केक्स। डोरेमोन अजीब हरकतें कर रहा है, पता नहीं उसे क्या हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखेगा। I'm sorry, मैं तो उसे हल्के से ही मारना चाहता था, लेकिन ये जोर से लग गया। ओह, जब कभी आपके पास एक बहुत बड़ा बगीचा होगा तभी आप गोल्फ की प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ गए ना? ठीक है। हो सकता, ऐसा करता हूँ मैं शिजुका के घर खेलने चला जाता हूँ। ला 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 ला। अरे तुमने फिर से मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? माफ कीजिए, हमसे ये गलती से हुआ। हाँ हाँ सच में। इस बार मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूँगा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आया। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। देखो ये कितनी सारी बॉल्स हैं जो मेरे बगीचे में आके गिरी थी। अब मेरे मकान में एक भी कांच की खिड़की नहीं बची है। अब इन सब बॉल्स को ले जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोग दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ चले जाओ। यार ये तो बुरा हुआ। हाँ जी यार, शायद हम कुछ दिनों तक वहाँ पर नहीं खेल पाएंगे। हाँ तुमने सही कहा। सुनियो वो मैदान जरूरत से कुछ ज्यादा ही छोटा है। अगर देखा जाए तो पूरा देश ही छोटा है जियान। हाँ तुमने सही कहा, पर ये गलती है किसकी? क्या तुम्हें नहीं पता? बोलो। हाँ? क्या ऐसा नहीं कह सकते, ये मेरी गलती नहीं थी। क्यों है ना? बिल्कुल ये तुम्हारी ही गलती थी नोबिता। ये सब तुम्हारी ही गलती है नोबिता। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। चुप रहो, जाओ डोरेमोन से कहो कि वो इस बारे में कुछ करे। हाँ हाँ कुछ करो। लेकिन जरा मेरी बात तो सुनो नोबिता। मुझे जरा बताओ डोरेमोन, तुम्हें इतना बड़ा डोरा केक कहाँ से मिला? मैंने तो देखा ही नहीं, मैं इतना लालची कैसे हो गया? मुझे पता नहीं मैंने ऐसा कैसे कर दिया। मुझे इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए था। मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसके लिए। अरे अरे एक मिनट रुको, पहले बताओ कि हुआ क्या है डोरेमोन। रुको मैं बताता हूँ। देखो हमारे एरिया में बहुत सारी शॉप्स हैं, उनमें करोड़ों डोरा केक्स होंगे, है ना? होंगे तो जरूर। वेल ये गैजेट हर डोरा केक से बहुत ही छोटा सा हिस्सा यानी धूल बराबर का टुकड़ा निकाल कर इकट्ठा करके यहाँ इस कमरे में ले आया, और उन छोटे छोटे टुकड़ों से बना एक बहुत ही बड़ा डोरा केक जो इस गैजेट ने मुझे दिया, समझे? तुम्हारा मतलब है कि वो डोरा केक? हाँ शायद तुम समझ गए हो। अरे वाह, ये कमाल इस गैजेट ने किया ना। हाँ पर मेरे हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मुझे लगता है अब मैं इस गैजेट को कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। अरे अरे रुक जाओ डोरेमोन, ऐसा मत करो। पर तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो तुमने अगर इतना छोटा सा टुक, तुम मेरी बात से सहमत हो ना डोरेमोन? हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे ख्याल से, और वैसे भी खाना वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा उसे चुपचाप खा लेना होता है। मैंने सही कहा ना? क्या कहा? तुम्हें ऐसा लगता है नोबिता? तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही खुशी हुई। क्या? अब मेरी बात सुनो। मैं एक बार इस गैजेट को काम करते हुए देखना चाहता हूँ, देख सकता हूँ ना? क्यों नहीं, पर हम इकट्ठा क्या करेंगे? चलो देखते हैं। क्या तुम जानते हो इस देश की पॉपुलेशन 120 करोड़ है, इसका मतलब अगर हम सबसे एक एक रुपया भी ले ले तो हमारे पास 120 करोड़ रुपए आ जाएंगे। क्यों चौंक गए ना, कैसी लगी? बिल्कुल भी नहीं, ये तो चोरी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते नोबिता।
मैं तो बस मजाक कर रहा था। हमें इस गैजेट को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अरे इधर आओ डोरेमोन, अरे जल्दी आओ ना। क्या हुआ? वहाँ पर देखो, उन अंकल को देख रहे हो? चलो हम उन्हें कुछ बाल दे देते हैं, कैसा आइडिया है? मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। तो चलो फिर चलें। मेरा ऑर्डर है, जो आदमी वहाँ से जा रहा है उसके सिर पर बाल उगा दो। सिर पर बाल उगाए? अरे वाह, मेरे सिर पर बाल उगाए, ये तो बिल्कुल असली है। यिप्पी! यिप्पी! मुझे लगता है उन अंकल को हमारा गिफ्ट अच्छा लगा, क्या कहते हो? हम कामयाब हुए। दूसरों को खुश करना कितनी अच्छी बात है ना? सही कहा। ये क्या तुम इसे अंदर रख रहे हो? हाँ मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। तो फिर डोरेमोन इसे यहीं पर रहने दो ना। बिल्कुल नहीं, तुम इसका इस्तेमाल शरारत के लिए करोगे, समझे? प्लीज मुझे ये दे दो ना। मैंने कहा ना नहीं। मैं अगर ये तुम्हें दूंगा तो तुम जरूर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर दोगे, इसलिए तुम देखो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मेरा जवाब अभी भी ना है। सब सुनो, डोरेमोन ने आसपास से डोरा केक चुराए है। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, सच में इस बार तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो। बाय। मजा आएगा। मैं आसपास के हर एक स्क्वायर मीटर में से एक स्क्वायर मिलीमीटर लूंगा, जिससे कि हमारा बगीचा एक स्क्वायर किलोमीटर का बन जाएगा, और मुझे इसके साथ इसकी बाउंड्री बनाने के लिए ईंटों की जरूरत भी पड़ेगी। तो ठीक है। हुर्रे! विपी! याहू! काम हो गया! ये! जहाँ तक भी नजर जाती है ये जमीन अब हमारी है, अब डैड खूब गोल्फ खेल सकते हैं। और यहाँ पर हम बेसबॉल भी खेलेंगे। हुर्रे! नोबिता बॉल पार्क, नोबिता गोल्फ कोर्स। जब ये पूरा बन जाएगा तब हम लोग यहाँ पर दिन भर खेल सकेंगे। मॉम, डैड, जरा अपने बगीचे को देखिए। हाँ, डैड घर पर नहीं है। मॉम? नहीं नोबिता, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा तो फिर चलिए ना। अरे ध्यान से, मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाहर बाद में आकर देख लूंगी। वैसे नोबिता, इससे मुझे याद आया, बगीचे से फालतू घास साफ कर दो प्लीज। क्या सच में? सच में से क्या मतलब, तुमने उस दिन प्रॉमिस किया था ना, भूल गए तुम? चलो इसी वक्त जाकर घास साफ करो, कितनी जंगली घास उगाई है बाहर। ठीक है। कितनी बड़ी जमीन है, कोई तो मेरी मदद करो। हेलो मिसेस नोबी, नोबी। अभी आई जी। है तो, पर आखिर बात क्या है? क्या आपने अपना म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक नहीं भरा है, जरा बताइए। हाँ? देखिए मैडम, आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये पता चल रहा है कि मिस्टर नोबी ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है, मेरा मतलब उनका प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक बकाया है। इसका मतलब हमें टैक्स देना बाकी है? जी हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हमारी जमीन और घर के टैक्स की बात कर रहे हैं, क्यों है ना ऑफिसर? जी बिल्कुल मैडम। पर हमारी प्रॉपर्टी तो इतनी बड़ी नहीं है कि उस पर टैक्स दिया जाए, मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है। क्या इसका मतलब ये है कि आप टैक्स नहीं भरना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है? एक मिनट रुक जाइए। हमारे घर से इतना शोर क्यों आ रहा है? देखता हूँ। हाँ, अरे ये क्या? हम आपसे बात नहीं करना चाहते मैडम। नहीं, बाहर नहीं। देखिए वो इस वक्त घर पर नहीं है। नहीं, 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 नहीं,